हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. टुडे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन चैप्टर. ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होता है. फैक्टराइजेशन आपके पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नोट करते हैं. कैसे? जैसे आपको दिया गया 4x2y, आपको इसने प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है. कैसे करेंगे? 4 को आपने लिखा 2 into 2, फिर आपने एक्स स्क्वायर को कैसे लिखा? x into x, और y को आपने एज इट इज y. अब देखिए, ये आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं और ये आपके पास एक्स एक्स, इधर ये वाई है, ये टू है, तो ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए. ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए. अब देखिए, दूसरा मैं आपको बताती हूं कि अगर मान लो आपको बोला जाए कि आप 5x+10 आप इसके फैक्टर करिए, तो फैक्टर के लिए आप कैसे करेंगे? पहले 10 को देखिए, 5 के एक्स के क्या होंगे? 5 into x प्लस 10 के क्या होंगे आपके पास? 10 को आप कैसे लिखोगे? 2 into 5. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से हम देखेंगे कि 5 5, दोनों जगह 5 है, तो आप 5 को आउटसाइड द ब्रैकेट नोट कर लेंगे. जब आपने आउटसाइड द ब्रैकेट इसको नोट किया 5 को, तो ये आपके पास क्या आया? एक्स प्लस इधर क्या बचा आपके पास? 2. तो ये आपके पास जो आया है, ये फैक्टर्स है. ठीक है, फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन के. तो इसको आपने रिप्रेजेंट किया 5 into x+2, ये फैक्टर्स हो गए. ठीक है, इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. और जो आपने ये 5 आउटसाइड द ब्रैकेट लिया है, इसको हम बोलते हैं कॉमन लेना. ठीक है, कॉमन लेना होता है कि जो दोनों में जो भी हो, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कॉन्स्टेंट हो, अगर आप उसको आउटसाइड द ब्रैकेट ले लेते हैं तो वो कॉमन बोला जाता है, कि 5 इसमें कॉमन है. नाउ लेट्स सी वेज ऑफ फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन आप किस किस तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज बाय टेकिंग कॉमन. सबसे पहले आप चेक करिए कि जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें कोई नंबर नहीं है या कॉमन वेरिएबल नहीं है, देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू रीग्रुपिंग. ठीक है, अब देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से देख लीजिए. मान लो आपके पास है 12a² - 20a, आपको ये सोल्व करना है. तो इसमें देखिए 12 के आप करेंगे पहले फैक्टर 2 into 3 into 2, ये आपने फैक्टर किए. अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे करते हैं, तो आप ऐसे ये प्राइम फैक्टर करिए, ऐसे 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. तो जो ये आपके पास नंबर आया, ये आपने ऐसे नोट किए, और एक्स स्क्वायर या फिर कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर हो या जो भी पार हो, उसको आप उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करिए into a. इसकी पार 2 है, मीन्स आपको इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. देन माइनस, अब 20 के फैक्टर करिए, 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 10 2 5 5 1. तो यहां पे आप क्या करोगे? 2 into 2 into 5, देन into a. अब इसमें देखिए कॉमन आपके पास क्या आएगा, ये 2 इधर है, इधर भी 2 है, 2 2, ये भी कॉमन है, इधर 3 है, उधर 3 नहीं है. कॉमन मीन्स जितनी भी आपके पास टर्म है, सब में वो होना चाहिए नंबर. अब a है आपके पास, a इधर भी a है, तो आपके पास क्या कॉमन आया? 2 into 2 into a, और विद इन ब्रैकेट क्या आएगा? कॉमन लेना मीन्स आपने ये वहां से निकाल लिया है. ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 3 into a, दैट इज 3a माइनस, अब ये वाला देखिए, यहां पे ये 2 2a, ये आपके पास बाहर आ गया ब्रैकेट के, तो अंदर क्या बचा? -5. ये आपके पास है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन. ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
इसको आप नोट कर सकते हैं 4a इंटू ये, ठीक है। अब बाय रीग्रुपिंग देखिए, रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे कि कुछ कॉमन है या नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो आप रीग्रुपिंग के ऊपर जाते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम, ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ द टाइम रीग्रुपिंग आप करते हो जहां पे आपके पास बहुत सारी टर्म्स हो, ठीक है, जहां पे आपके पास बहुत सारी टर्म्स हो। वैसे आप कॉमन वाला जो होता है आपके पास वो तो आपको यूज करना ही है। रीग्रुपिंग में आप टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे, कैसे, मान लो आपके पास ये नंबर है, इधर देखिए 2a² माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस 2ac। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, रीअरेंज हमें करना है तो रीअरेंज हम करते हैं। 2a², इसके साथ मैंने टर्म ली माइनस ए बी, देन आपके पास क्या है प्लस 2ac माइनस बी सी। अब देखिए आपने जो टर्म इंटरचेंज की है, सिर्फ आपने इंटरचेंज की है, प्लेस चेंज की है, उनका साइन आपको चेंज नहीं करना है, कभी साइन चेंज कर दो। तो इसमें देखिए आप इसके फैक्टर करिए, 2 इंटू a माइनस a इंटू बी प्लस 2 इंटू a इंटू c माइनस बी इंटू सी, ये आपने रीअरेंज कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहां से कॉमन निकालिए आप, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू से, यहां से आपके पास क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आया, यहां से आपके पास c कॉमन आया, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आएगा, a कॉमन लेने के बाद ये आपके पास होगा a ब्रैकेट, यहां क्या बचा 2a, इधर माइनस b, प्लस है फिर उसके बाद प्लस, यहां पे साइन लगाएंगे, c कॉमन लिया आपने c, देन 2a माइनस बी, ठीक है, ये आपने किया। अब ये आपको इधर ही नोट करनी, इधर जगह नहीं थी तो मैंने इधर नोट किए, ये आप एक साथ नोट करेंगे। उसके बाद अब देखिए ये कॉमन आ रहा है, ये बीच में प्लस साइन है। अब आपके पास एक ये है और एक ये टर्म है, अब इसमें से भी देखिए कॉमन आ रहा है 2a माइनस बी, ये कॉमन है तो यहां आप क्या करेंगे 2a माइनस बी, ये आपने कॉमन ले लिया, ये पूरा कॉमन आ गया, इधर से ये कॉमन आ गया, तो अंदर देखिए क्या बचा ब्रैकेट में a, इधर बीच में प्लस साइन है प्लस, इधर c, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद देखिए परफेक्ट स्क्वायर में आप क्या चेक करेंगे, आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है, मान लो आपके पास है x² + 8x + 16, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन चेक करना है, इसमें क्या कुछ कॉमन है, इसमें नहीं है, फिर आप इसको रीग्रुपिंग करके देखेंगे। इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 3 टर्म्स मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, रीग्रुप करके देखेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि कॉमन कुछ आना नहीं है। फिर परफेक्ट स्क्वायर में आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ध्यान से सुनना, फर्स्ट और लास्ट यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप देखोगे क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक्स स्क्वायर है तो किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक्स का, 16 है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 का, ठीक है। देन अब ये चेक करिए, इसमें आप कैसे करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy + y², आपने ये दोनों चेक कर लिए। अब बीच में क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म में आपके पास 2xy आना चाहिए। अब 2 फॉर्मूले का, उसके बाद x देखिए एक्सिस में क्या है, x है तो ये x हो गया, इंटू y, y इसमें क्या है 4, ये आपने किया।
अब आपको ये मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या ये 8x है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख जाएंगे लेकिन जो मिडल टर्म है वो ये 4 में नहीं होती है, तो वहां पे आप फिर ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हो आप। तो यहाँ पे देखिए 4 2 8x, 8x आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है तो नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस नोट कर देंगे, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे। कैसे? फर्स्ट लो और लास्ट लो, एक्स माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 4 होल स्क्वायर। हमने क्या किया, इस फॉर्म को हमने इसमें नोट कर दिया है, ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब आप बच्चे क्या कहते हैं, मैम इसमें 2xy कहाँ गया? जब बेटा फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये था, जब आप इसको करेंगे तो ये नहीं आएगा क्या? ये आएगा ना, ये तो आपको ये ऐसे ही नोट करना है, फर्स्ट लो और थर्ड लो, बीच में अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, होल स्क्वायर कर दो उसको, ठीक है। अब इसको आप कैसे नोट कर सकते हो, यहां तक नहीं छोड़ना है, इसको आपको मिनिमम पार में होना चाहिए। एक्स प्लस 4 स्क्वायर मीन्स क्या होता है, यू आर मल्टीप्लाइंग नंबर, जितना भी अगर स्क्वायर है तो उतने टाइम से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग नंबर ट्वाइस, एक्स प्लस 4, आपने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास फैक्टर्स आ गए, ये स्क्वायर के हैं। अब आपके पास ये भी हो सकता है, मान लो आपके पास दूसरा एग्जाम्पल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें 2 टर्म्स है, आपने कॉमन देखा, कॉमन कुछ नहीं है, फिर आपने रीग्रुपिंग 2 नंबर्स है तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक्स स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब देखिए आइडेंटिटी जो आपको बोली जाती है कि आप उसको लर्न करिए लर्न कर लिए, वो इसलिए बोली जाती है क्योंकि यहाँ पे ये यूज होंगी, और 10th तक आपको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, और ये आइडेंटिटी यूज होगी 10th तक, ठीक है। और जो ये वाला चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th तक ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो फिर आगे भी समझ नहीं आएगा, तो इसको बार बार जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करिए ताकि आपको समझ आए। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है ये, अब इसको कैसे आप नोट करेंगे, आपको आइडेंटिटी अगर लर्न है तो इजिली आप इसको नोट कर सकते हैं। आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, एक बार आप नंबर्स को प्लस करते हैं एक्स प्लस वाई, एंड एक बार आप माइनस करेंगे, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। आपने ऐसे में लर्न की होगी, इधर से ऐसे लर्न की होगी, लेकिन अब हम उसका रिवर्स कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 2 टर्म्स है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे इन टर्म्स को एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार आप इसको माइनस करके लिखेंगे। अब देखिए यहां पे आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, बेटा इन दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, डिफरेंस हो गया ना, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 ये क्या है, ये तो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर है, ये चीज ध्यान देना, अगर होल स्क्वायर है तो आप उसी टर्म को 2 टाइम्स नोट करते हैं, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसको 2 टाइम्स नोट करोगे, और अगर आपके पास ये वाली फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 9 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो आप एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो जहां मिस्टेक होगी वो मैंने आपको बता दिया, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ये नहीं कि आपने देखा और मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी, पहले आप ये वाले सारे चेक करेंगे कि क्या कोई कॉमन नंबर है इसमें, आप फर्स्ट 2 में है, फर्स्ट 2 को अगर कॉमन लेते हो तो कोई फायदा ही नहीं है। उसके बाद आपको रीग्रुपिंग करके देखनी है, रीग्रुपिंग करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, देन परफेक्ट स्क्वायर देखोगे, फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है,
तो वो भी नहीं हुआ. अगर ये सारे नहीं हो रहे देन यू विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग. अब इसमें आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे. मिडल टर्म स्प्लिटिंग में अगर आप ये वाला छोड़ के, ये वाली आइडेंटिटी छोड़ के अगर ये रिमेनिंग है, ये दोनों करते हैं, तब भी वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ये वाले मेथड नहीं होंगे, ये भी हो जाते हैं. लेकिन आपको मैं बता रही हूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे, फिर रीग्रुपिंग, फिर परफेक्ट स्क्वायर, देन मिडल टर्म स्प्लिटिंग. अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करेंगे, देखिए नाम से पता चल रहा है मिडल टर्म स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग मीन्स उसको ब्रेक डाउन करना. तो आप जो ये सिक्स है, सिक्स को ब्रेक करोगे टू पार्ट्स में. अब देखिए इसके लिए क्या रूल है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है आपके पास, ये वाली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी की फॉर्म ये है आपके पास, ठीक है, जहां क्या होता है मिडल में सम ऑफ नंबर्स होता है और लास्ट में मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर होता है. और कौन से नंबर रहेंगे, ये जो डिफरेंट है. देखिए कैसे आइडेंटिटी, मैंने बच्चों को आइडेंटिटी में कंफ्यूज होते हुए इतने देखा है कि उनको समझ ही नहीं आता कि कहां पे कौन सी यूज करनी है. तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपको दोनों ब्रैकेट में, देखिए सेम है ये, दोनों ब्रैकेट में अगर ऐसे सेम नंबर मिलते हैं तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बनेगी, ठीक है. अगर दोनों ब्रैकेट में सेम है और माइनस है तो इसको माइनस कर दोगे आप. अब दोनों में देखिए सेम है लेकिन एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, वेरिएबल आपके पास सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, ठीक है. फोर्थ वाली देखिए क्या है आपके पास, एक्स एक्स मींस इसमें एक नंबर तो सेम है, ये दोनों लाइक है, लेकिन ए और बी ये दोनों डिफरेंट है. एक इसमें सेम है और ये रिमेनिंग टू डिफरेंट है. तब आप क्या करते हैं, जो सेम है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस जो डिफरेंट नंबर है उनका सम करिए और उसको मल्टीप्लाई करिए सेम से, देन प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट. ये आपके पास आइडेंटिटी है. और ये वाली आइडेंटिटी जो ये फॉर्म है, ये वाली आपके पास, आपको किस में करना है, इसको इसमें लेके आना है, ठीक है. तो इसको देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे. देखिए एट ये प्रोडक्ट है, यहां से आपको पता चल रहा है एट प्रोडक्ट ऑफ नंबर है. अब टू नंबर कौन से हैं वो आप कैसे चेक करोगे, कि अगर नंबर्स को आप प्लस करते हो तो आपके पास कितना आना चाहिए सिक्स, और नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए एट आना चाहिए. अब बोलोगे ये क्या बात हुई. अब इसको हम करके देखते हैं कैसे. एट आप ऐसे करिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है. टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, ये आपके पास है. अब आप टू नंबर को मल्टीप्लाई करिए, उसमें जो रिमेनिंग है उसको एड कर दो. तो यहां से देखिए टू टू जा फोर, फोर प्लस टू सिक्स. अब ये आपको इजीली पता चल गया. अब दूसरे वाला तरीका देखिए, अगर किसी को नहीं समझ आता है तो ये वाला देखिए, एट के फैक्टर करिए, वन इंटू एट होंगे, टू इंटू फोर, देन फोर इंटू टू मीन्स रिपीट हो गए, तो इसको इससे ज्यादा नहीं करना है. टू इंटू फोर ये आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एट तो आ रहा है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये सिक्स आना चाहिए. तो बताइए कौन सा लोगे आप, एट प्लस वन नाइन, यहां आपने किया फोर प्लस टू सिक्स, तो बताइए कौन से वाला होगा, ये वाला फैक्टर होगा इसमें टू एंड सिक्स. आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस एट. इसके बाद आप फर्स्ट टू टर्म लेंगे एंड लास्ट टू टर्म लेंगे, इसमें से जो कॉमन है वो आप फाइंड आउट करेंगे. देखिए कॉमन क्या है इसमें से, एक्स कॉमन है इधर एक्स, देन एक्स प्लस इधर क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा टू प्लस
यहां से फोर कॉमन आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे इनका, आप HCF लेके देखिए, जो HCF होगा वो कॉमन आ जाएगा इसमें। 4x प्लस 2, 8 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 2। अब देखिए इसमें ये एक खासियत होती है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आते हैं ये। अगर ये सेम है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज कहीं मिस्टेक हो गई। अब ये वाला आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2, ये कॉमन लिया, यहां क्या बचा आपके पास x, इधर क्या बचेगा 4। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें आपके पास और भी रूल होते हैं वो देखते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपके पास 4 केसेस होते हैं, 4 केसेस आपके पास क्या रहेगा, इक्वेशन आपको इस फॉर्म में मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म की मिलेगी। इसमें आपके पास 4 इक्वेशन कैसे मिलेगी, अब देखिए इसी को मैं अलग अलग तरीके से लिखती हूं कैसे। इसी को मैं लिख सकती हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, मैंने यहां साइन चेंज कर दिया। फिर मैं सेकंड में करती हूं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, फिर फोर्थ में मैं क्या करती हूं, दोनों के साइन चेंज कर देती हूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। अब यहां से देखिए इसको आप कैसे करेंगे, अगर दोनों आपके पास पॉजिटिव साइन है मिडल में और लास्ट टर्म में अगर आपके पास प्लस साइन है, इट मींस अगर दोनों आपके पास प्लस साइन है, इट मींस कि जो भी आप फैक्टर लोगे वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यहां से आपको ये समझ आता है। सेकंड में अगर आपके पास माइनस है, अगर आपके पास लास्ट में माइनस है, इसको मैं थोड़ा इंटरचेंज कर देती हूं, इसको मैं प्लस ले लेती हूं, यहां पे प्लस, अगर आपके पास जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में यहां पे प्लस है और मिडल में माइनस है, ये ध्यान से देखना, मैं इसको नोट करूंगी, पहले सेकंड वाले के लिए माइनस साइन और थर्ड वाले के लिए प्लस साइन। अगर आपके पास इस टाइप से है तो आप कैसे करेंगे इसको, कि जब आप नंबर को मल्टीप्लाई, देखो सी आपके पास क्या है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो सी है यहाँ पे, और बी आपके पास क्या है, सम ऑफ नंबर्स है। तो जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस आना चाहिए, ठीक है, तो आपके पास प्लस आना चाहिए, और अगर आप नंबर्स को एड करो तो माइनस आना चाहिए। अब ऐसा कब होता है सोचिए आप, अगर दोनों नंबर आपके पास माइनस में हो, माइनस टू माइनस थ्री, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, प्लस सिक्स, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, माइनस फाइव। ये टर्म सेटिस्फाई हो गई ना, तो यहां से आपको क्या पता चला कि एक आप दोनों इंटीजर आपके पास माइनस होंगे, ठीक है। यहां पे आपको कुछ चेंज करना ही नहीं होता, सिर्फ यहां पे आप चेंज करते हो, तो यहां पे दोनों आपके पास जो नंबर है वो माइनस में होंगे, दोनों फैक्टर माइनस में होंगे। अब देखिए थर्ड और फोर्थ कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है, कैसे वो अभी बताती हूं। माइनस आना चाहिए आपका थर्ड टर्म में, अब थर्ड टर्म में माइनस कब आएगा आप बताइए, आपके पास टू नंबर्स है, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास माइनस में आना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है वो, जब आप किसी एक नंबर को माइनस में लेंगे, चाहे किसी को भी लो, ठीक है, अगर आपने एक नंबर को माइनस में लिया तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सिक्स माइनस में आंसर आया, मींस यहां से आपको क्या पता चला कि आपके पास एक नंबर, यहां पे मैं ये दोनों के लिए यूज करती हूं प्लस माइनस, कि आपके पास एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर आपके पास माइनस में होगा, ठीक है, इसके लिए भी यही होगा, लेकिन इसके लिए आप क्या करोगे, माइनस वाले के लिए, माइनस वाले में अगर यहां मिडल में माइनस है, ये साइन देखिए क्या डिसाइड करते हैं,
ये साइन आपको बताएंगे कि दोनों नंबर में से जो ग्रेटर है, दोनों नंबर में से जो ग्रेटर नंबर है वो जो मिडल में साइन है उसके सामने वो साइन आएगा। कैसे? जैसे यहां पे प्लस है, इसका एग्जाम्पल से समझिए तब अच्छे से समझ आएगा। एक आपके पास 3 है, एक 2 है, आपको ये पता चल गया कि एक नंबर माइनस होगा। अब कौन सा माइनस होगा? बीच में अगर प्लस साइन है तो ग्रेटर नंबर प्लस होगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा। यहां पे माइनस है, मिडल में माइनस है, तो ग्रेटर नंबर 3 है, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये कहने की कोशिश कर रही हूं मैं, ठीक है? तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि ये साइन कैसे डिपेंड करते हैं, प्लस ग्रेटर नंबर के सामने, माइनस ग्रेटर नंबर के सामने। और यहां से आपको क्या पता चलेगा कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है? अब इसको आप एग्जाम्पल से देखिए। देखिए फर्स्ट के लिए दोनों प्लस साइन है, दोनों प्लस साइन है, तो मैंने क्या बोला था कि दोनों नंबर आपके पॉजिटिव में रहेंगे। अब इनके आप फैक्टर कैसे करेंगे? ऐसे देखिए, अगर आप ऐसे में समझ आता है आपको, इसको भी देखो करने के दो तरीके होते हैं, लेकिन जो दूसरे वाला तरीका मैं बताऊंगी वो वाला, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तब आप उसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। इसको देखिए, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ये आपके पास फैक्टर आए। कैसे करेंगे? किन्हीं टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, थर्ड नंबर को उसमें ऐड करिए, तो आपके पास 6 आना चाहिए। तो आप कैसे करोगे? 2 2 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये नंबर हमने ऐड कर दिया, 4 प्लस 2, ठीक है? ऐसे आपने ये नंबर ले लिए, दोनों प्लस में लेने हैं, यहां से हमें पता चल गया था। आपके पास ये क्या होगा? x² + 4x + 2x + 8। अब इसमें से फर्स्ट टू लास्ट टू, अब आपको ये कॉमन लेना है, x x + 4 + यहां से 2 कॉमन आएगा, 2x + 4। आप अगर ये सोचते हैं कि ये आपको कैसे पता चला कि यहां से क्या कॉमन आएगा, तो जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसकी आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ आएगा कि कॉमन कैसे लेते हैं। और वैसे भी जैसे जैसे आप ये चैप्टर फिनिश करने जाओगे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कॉमन आएगा। देखिए x + 4 x + 4, तो यहां से x + 4 कॉमन आया, इधर ये आपके पास क्या बचा? यहां से x बचा और इधर से 2, तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें दूसरा तरीका मैं क्या बता रही थी, 8 के फैक्टर करने के, आप ऐसे भी करिए, 8 × 1, सारे लिखिए, पहले 1 से करिए, 1 × 8, 2 से करिए, 2 × 4, 3 से होगा नहीं, फिर 4 से, 4 × 2। अब देखो ये रिपीट कर गया, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 आए। इनमें देखिए नंबर को आपको ऐड करना है, 8 + 1 9, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, 4 + 2 6, ये वाला, ठीक है? यहां से आपको पता चल गया। अब ये वाला देखिए, सेकंड केस, अगर मिडल में माइनस हो और लास्ट में आपके पास प्लस हो, ये वाले आपके पास एग्जांपल है। अब इसमें देखिए, यहां से आपको क्या पता चला कि एक नंबर माइनस होगा, एक प्लस होगा, ये यहां से पता चला। और जो आप नंबर लोगे वो अगर लास्ट में प्लस है तो आपके पास दोनों नंबर क्या आएंगे? माइनस में आएंगे। अब देखिए 8 के फैक्टर देखिए, 8 को आप कैसे करेंगे? 1 × 8, 2 × 4, ठीक है? उसके बाद रिपीट हो जाएगा ये, 1 × 8, 2 × 4। अब नंबर को दोनों माइनस में होंगे, दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो नंबर को आप प्लस करके देखोगे, 8 + 1 9, 4 + 2 6, तो कौन सा होगा? ये वाला। और दोनों नंबर क्या लेने हैं आपको? माइनस में लेना है, तो ये आपके पास क्या आएगा? x² - 2x - 4x + 8। अब यहां से x कॉमन आएगा, x - 2, यहां से 4 माइनस आएगा कॉमन,
तो ये आपके पास क्या बचेगा x। अब अगर बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज करना है आपको, प्लस 4 2 8, तो ये आपके पास क्या आया 2। यहां से x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन है, ये इधर क्या बचा x माइनस 4, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अगर आपको कॉमन लेने नहीं पता चल रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला मेथड आप कब तक यूज करेंगे, आपको ये सीखना ही होगा कि कॉमन कैसे लेते हैं हम। ये इन टू है, अब इसमें से देखिए कॉमन कैसे लेंगे, x कॉमन है फर्स्ट टू और लास्ट टू से, यहां से आपके पास 2 2 ये कॉमन है, तो यहां पे क्या बचा x कॉमन लेने के बाद x, इधर क्या बचा माइनस 2, इधर से आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा x, बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज करना है। आप लोग एग्जाम में यही मिस्टेक करोगे कि ये वाला साइन चेंज करना भूल जाओगे, माइनस क्या बचा इधर 2, तो x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, क्या बचा x इधर और ये माइनस 4, x माइनस 4, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन टाइप, अब इसमें आपको 6 के फैक्टर करने हैं, 1 × 6 एंड 2 × 3, यहां पे माइनस साइन है, ये आपके पास प्लस साइन है, तो आपके पास क्या पता चला, आपको क्या पता चला कि एक नंबर प्लस होगा एक नंबर माइनस होगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो नंबर को आप माइनस करके देखिए, 4 − 1 5, 3 − 2 1, बीच में क्या साइन है प्लस, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा प्लस, 3 इसमें ग्रेटर है, 3 क्या आएगा प्लस, और दूसरा आपके पास माइनस आएगा, प्लस 3x − 2x − 6। अब इसमें से कॉमन लीजिए x, x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन आएगा, अब बाहर माइनस है ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3, अब आपके पास क्या है इसका आंसर x प्लस 3 एंड इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 2। सेम आप इसको फोर्थ के लिए कर सकते हो कि अगर मैं इसको माइनस कर देती हूं, अगर मैं यहां पे माइनस करती हूं तो देखिए यहां से आपको वही पता चलेगा कि एक प्लस में होगा एक माइनस में, लेकिन प्लस माइनस 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 करोगे तो जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस होना चाहिए, सिर्फ ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा इधर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, फिर यानी आपके पास जो फैक्टर है उसके एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, जस्ट साइन चेंज हो गए, अदरवाइज ये दोनों केस सेम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।